नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन चौहान और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। पुलिस थाना मंडोर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोरोना योद्धाओं को शाम 7 बजे आर्य समाज मंदिर महर्षि बापिनी नगर गोकुल जी की प्याऊ द्वारा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। महर्षि दयानंद ने देश की एकता के अंदर, छुआछूत के अंदर जो जितने भी फंसे हुए थे सबको एकता करके हमारे देश को आजाद कराया। अब हम जो अभी कोविड-19 की जो महाबीमारी चल रही है, आपको सभी को पता है, उसके अंदर मेडिकल विभाग और आपके जो पुलिस प्रशासन ने बहुत इतना सराहनीय कार्य भी किया है। इसलिए हमारी संस्था आपको जो ऐसे सेवा कार्य में प्रगति और बल और यह सब कीर्ति आपकी बढ़े, इसलिए हमारी संस्था ने आपके लिए हमने कुछ छोटा सा ये प्रमाण पत्र बनाया है, क्योंकि यह प्रमाण पत्र अभी 15-20 साल बाद आने वाली पीढ़ी आपको देखेगी, आपके बच्चे पोते वो भी देखेंगे कि उस समय कोरोना कितना भयंकर था। उस समय लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे और आप अपने जान में को जोखिम में डालकर लोगों की, जनता की आपने सेवा भी की है, बहुत बहुत सराहनीय है। इसलिए आर्य समाज पाणी नगर गोकुल जी की प्याऊ आपको सम्मानित करना चाहती है। हमारे सही साहब ने, मैंने बात की थी, सही साहब ने इस निवेदन को स्वीकार किया, इसलिए मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे राजेंद्र प्रसाद जी DSP साहब ने भी स्वीकृति प्रदान की, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपको हौसला बनाऊ। तो जितने भी आर्य समाज है और जितने भी हमारी जनता है, हमने 500 का हमने सम्मानित कर लिया। जितने भी सरकारी जो विभाग है, आपके यहाँ के जो जलदाय विभाग है, बिजली विभाग है, मेडिकल विभाग है, आयुर्वेदिक विद्यालय है और भी यहाँ पर जो सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने इस कोरोना योद्धा में कार्य भी किया और जिन्होंने अपने घर से अपने व्यक्तिगत रूप से लोगों की जो जिसमें भी सेवा भी की है, हमने कम से कम 500 आरा हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सुबह हम यज्ञ करते हैं 1 घंटा कि हे प्रभु, जो कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, जो इस बीमारी के अंदर जो इसे ग्रसित है उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रखे, जो इस बीमारी के लिए सेवा कार्य के अंदर लगे, जैसे आप भी लगे, मेडिकल विभाग भी लगे, आपका भी शरीर स्वस्थ रखे, आपको बल दे, यश दे, कीर्ति दे, जिससे आप लोगों की सेवा कर सके। इस उद्देश्य को रखते हुए आर्य समाज ने यह निर्णय लेकर आपको सम्मान करने का जो हमारे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़।